हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 5.6 हमारे पास में है एनसीईआरटी का, और क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बेंड एट एंगल 15 डिग्री इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ रेस कार एंड द रोड इज 0.2 व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ इट्स टायर एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। ओके, तो यहाँ पर हम चाहें तो डेरिवेशन भी पूरा देख सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम इंक्लाइंड रोड की बात करें, बैंक्ड रोड की बात करें, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री गिवन है। और अगर हम यहाँ पर कार का ये जो फ्रंट व्यू है, ये उसके व्हील्स हैं, है ना, ये उसकी हेडलाइट है ना। अगर ये कार यहाँ पर रोड पर चल रही है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² / r। ओके, और एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एफ, और एक ग्रेविटी लगेगा mg। इतने फोर्स यहाँ पर लगेंगे, है ना। जब हम इन सारे फोर्स को बैलेंस करके वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो हमको मिलेगा वो मिलेगा रूट जी इंटू आर इन द ब्रेकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फार्मूला हम लेक्चर में डिराइव भी कर चुके हैं। अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब हम अगर मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना चाहें तो जी का वैल्यू पुट कर दो भैया, जी का वैल्यू कितना है 10, आर का वैल्यू पुट कर दो कितना है 300। ओके, इन द ब्रैकेट 10 15 डिग्री प्लस फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना है 0.2। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस का वैल्यू 0.2 और 10 15। अब 10 15 का वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में आपको वैल्यू फाइंड करके बताया था। यहाँ पर 10 15 का जो वैल्यू होता है, 15 डिग्री का वैल्यू होता है 0.27। कितना होता है 0.27। तो यहाँ पर वी मैक्स हमको मिलेगा, जब हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3000। ओके, और ये हो जाएगा 0.27 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.27 इंटू 0.2। जब इसको आप पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है 38 मीटर पर सेकेंड। कितना आने वाला है 38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हुआ जो हमने डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व किया। पर अगर हमको ऑप्टिमम स्पीड निकालना है, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब वो स्पीड जिस पे हमारा कार इफ़िशेंटली वर्क करेगा, जिससे हमारे टायर डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए अगर पार्ट हम देखेंगे टू फाइंड ऑप्टिमम स्पीड, है ना, अगर हमको ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करना है, ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ टायर। ओके, तो हम यहाँ पर म्यू एस को क्या कर देंगे, फ्रिक्शन को ज़ीरो कर देंगे, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस फार्मूले में अगर आप फ्रिक्शन को ज़ीरो कर देंगे तो आपके पास में वी मैक्स जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है रूट जी आर, ओके, रूट जी आर इंटू टेन थीटा। कितना मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 10 थीटा केवल बचेगा, है ना। तो जी का वैल्यू हमको 10 पुट करना है, आर का वैल्यू कितना पुट करोगे 300, और 10 15 का वैल्यू 0.27, है ना। इसको आप हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि ऑप्टिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है, ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब है, और मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच।